नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी को अक्सर विकेटों के पीछे से हर गेंदबाजों को दिशा निर्देश देते हुए सुना जाता है। वो अक्सर हमेशा गेंदबाजों को इधर डाल या फिर कई तरह की ऐसी जो है बातें वो हमेशा कहते हुए नज़र आते हैं। बताते चलो कि इस खबर के मैं अंदर में आपको बता दूं कि मोंटी पनेसर, जो इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज हैं, उन्होंने धोनी के इस प्रतिक्रिया पर आज जवाब दिया है और कहा है कि मैं उनकी बातों को समझता था। तो चलिए नज़र डालते हैं खबरों पर। बता दूं कि भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हैं, जिसमें उन्हें गेंदबाजों को निर्देश देते हुए सुना जा सकता है। वहीं उनके निर्देश को फॉलो करते हुए गेंदबाजों को विकेट लेते हुए भी कई बार देखा गया है। ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा कि मैदान पर खेलते हुए एमएस धोनी अक्सर अपने गेंदबाजों को एक निश्चित तरीके से गेंदबाजी करने का निर्देश देते थे। उनका कहना है कि अक्सर उनके निर्देश हिंदी में हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि वह धोनी के शब्दों को समझ जाते थे क्योंकि वह धारा परवाह हिंदी और पंजाबी बोलते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं एक ब्रिस बल्लेबाज जो कि इंग्लैंड टीम में बल्लेबाजी करता है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, जिसको हिंदी और पंजाबी बहुत अच्छे से बोलने आती है, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की जो बातें होती है क्रिकेट के पीछे, जो प्रतिक्रिया हमेशा गेंदबाजों को देते हुए नज़र आते हैं, फील्ड में देते हुए नज़र आते हैं, उसी को लेकर मोंटी पनेसर ने कहा कि मैं उनकी बातों को समझ जाता था लेकिन कभी रिएक्ट नहीं किया ताकि महेंद्र सिंह धोनी को इन बातों का पता न चल सके। क्योंकि बता दूं कि हाल ही में 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ऐसे कई ऐसे बातें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होंगे। हर क्रिकेटर अपने अपने कुछ ऐसे प्रतिक्रिया या फिर ऐसे कोई कहानियाँ साझा करेगा जो महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलते हुए उन्होंने गुजारा है। ऐसे में मोंटी पनेसर ने बताया कि जब वह हिंदी में दिशा निर्देश देते थे अपने गेंदबाजों को तो मैं उनकी हिंदी समझ लिया करता था लेकिन कभी रिएक्ट करके धोनी को नहीं बताया ताकि धोनी हमारी बातों को समझ न जाए।